दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत सारी अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। एटीएम के बारे में भी एक बिजनेस मैंने डाला था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहां पर लोगों ने बताया कि इनकम बहुत कम है, आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है, रेंट देना पड़ता है, उसके पीछे आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है और पर ट्रांजेक्शन बहुत कम इनकम मिलती है। तो लोगों ने कहा था कि कुछ ऐसा बिजनेस लेकर आओ जो एटीएम की तरह ही हो और जहां पर इनकम भी जबरदस्त आए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो एटीएम बिजनेस लेकर आया हूं ये एक धमाकेदार बिजनेस है। जानना चाहेंगे क्या है? तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है दोस्तों पिज्जा एटीएम का बिजनेस। क्या आपने सुना है पहले पिज्जा एटीएम के बारे में? एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, एटीएम से क्या निकलेगा? पिज्जा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या और किस तरीके से आप पिज्जा एटीएम का बिजनेस अपने शहर में लगाकर एक बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और इस पूरी बिजनेस को बताने के लिए आज हमारे साथ होंगे गौरव जी, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पिज्जा एटीएम का बिजनेस इतना लुक्रेटिव बिजनेस क्यों है, किस तरीके से आप इस बिजनेस को करके महीने की एक बहुत हैंडसम इनकम कमा सकते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं गौरव जी का और जानते हैं कि आखिरकार ये पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। तो दोस्तों फ्रेंचाइजी बताओ पर मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं पिज्जा एटीएम से गौरव जी। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, पिज्जा एटीएम कैसा लगा? पिज्जा एटीएम बड़ा जबरदस्त लगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि यहाँ से पिज्जा निकलेगा कहाँ से और कैसे लोग उससे पैसे कमाएंगे। लोग जानना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में। देखिए क्या है, यहाँ पर पिज्जा एटीएम जो है ये 3x3 की मशीन है, इसका जो साइज है वो 3x3 का है। ओके, मतलब देखा जाए तो इतना छोटा पिज्जा एटीएम आपने या छोटा सा एक रेस्टोरेंट जिसे बोलते हैं, जो रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए पिज्जा, पास्ता, बिरयानी, गार्लिक ब्रेड, चार चीज बनती है इसमें। एंड ये आज की डेट में इंडिया में पहली बार, आप बहुत कम लोगों ने देखा होगा आज तक, गाँव में शहरों में जितने रिटेलर हैं जितने दुकानदार हैं वो चाहते हैं कि अपनी दुकान के अंदर दुकान खोलना। दुकान में छोटी सी जगह, इसके अंदर पहिए भी लगे हुए हैं, अगर इसको आगे पीछे करना चाहें तो देखा जाए तो ये आगे पीछे हो सकता है, मतलब इसको आप मूव कर सकते हैं। इसके साथ ये डीप फ्रीजर है। अब इसमें इसमें जैसे ये देख रहे हैं आप, ये डीप फ्रीजर है और ये 150 लीटर का है। ये अप्रॉक्सीमेटली 18,000 का आता है, मतलब कहीं 17 का है कहीं 18 का है, ये लोग अपना कहीं से भी खरीद लें। बट मेन है, हम जिस मशीन को जो दिखा रहे हैं, इस मशीन में तीन पार्ट है, तीन सेक्शन है ये, मतलब एक ये जो ऊपर है सेक्शन है, बीच वाला और ये नीचे वाला सेक्शन है। इसमें जैसे मान लीजिए आप पिज्जा के साथ आज की डेट में आप सॉफ्ट ड्रिंक है, या मान लो सपोज आप कोक है, थम्स अप है, या माजा है, या मैं कहता हूँ लस्सी है, कुछ भी जो भी आप मतलब साथ में लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे बनता है पिज्जा, 2.5 मिनट में एक पिज्जा बनता है। अब 2.5 मिनट में जो पिज्जा बनता है ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑटोमेटिक, मतलब एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ये। इसमें सिर्फ आपको एक बंदा चाहिए, कोई शेफ की जरूरत नहीं है। जनरली जैसे मान लो कोई शेफ़ रखना चाहते हैं तो शेफ़ में क्या होता है कि शेफ हर आदमी रख नहीं पाता, 25-30 हज़ार में तनख्वाह होती है। इसमें आपका कोई भी सिंपल वर्कर, प्यून हो आपका, मुंडू हो, वो बेसिकली इसको काम पे ले लेंगे। हर रिटेलर के पास कोई ना कोई वर्कफोर्स होती है, एक आदमी चाहिए होता है इसको ऑपरेट करने के लिए। और जब इस मशीन को आप ऑपरेट करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जब प्री हीटिंग बोलते हैं, प्री हीटिंग का मतलब है कि जब आप कोई पिज्ज़ा बनाते हैं तो अभी कस्टमर नहीं आया मान लो, तो आपको मशीन बंद कर दी और दोबारा जब ऑन करेंगे टाइम लग जाएगा उसको हीट होने में। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्री हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्री हीट नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही ऑन करेंगे इमीडिएट हीट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, यही इसकी खूबी है कि आज की डेट में टाइम वेस्टेज कम होता है और ये 2.5 मिनट में पिज्ज़ा निकाल कर दे देता है। 2.5 मिनट में ज़्यादा बता रहा हूँ, हमने इसमें मतलब 1.8 सेकंड, मतलब 1 मिनट 80 सेकंड में भी निकाला है, मतलब 1.5 मिनट पौने 2 मिनट में। बट मैं 2.5 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ कि 2.5 मिनट लग जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आज की रेट में 10 लाख में 4 मशीन हम ऑफर कर रहे हैं। 10 लाख में 4 मशीन का मतलब है कि आज की रेट में कोई भी आदमी पिज्ज़ा बिजनेस में आना चाहता है, अगर वो एक मशीन लेता है तो 3 लाख रुपये प्लस GST, अगर वो 4 मशीन लेता है तो 10 लाख प्लस GST। अब इसमें कार्ट्रेज जो होती है वो आपकी है और GST कितना होगा, 18% GST है। इस मशीन पे लोन भी हो जाता है कि आज की डेट में कोई आदमी लोन लेना चाहता है, कोई आदमी कहता है जी लोन कैसे होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन हो जाता है। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है ऑलरेडी हमने इस मशीन पे किसी का लोन कराया हुआ है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऑलरेडी बिजनेस केस पता है। तो आप वहाँ पे जहाँ पे भी, जिस सिटी में भी हैं वहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई करिए, आपको कोटेशन मिल जाएगी हमारी तरफ से। हाँ ये जरूर है कि आपको उसके लिए इनिशियल में जैसे 25,000 रुपीज़ हमें पे करा, और अगर मान लो आपका लोन अप्रूव नहीं होता वो वापस ले सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है आज की डेट में लोन पे लेना चाहिए या वैसे लेना चाहिए, आप 10 लाख लगा के 2 करोड़ कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो बताता हूँ आपको। आपने कहा कि 10 लाख लगाकर 2 करोड़ कमा सकते हैं और 10 लाख में 4 ऐसी मशीन उनको मिल जाएंगी, 4 मशीन मिलेगी। आज 4 मशीन का मैंने क्यों बोला है उसका रीजन बताता हूँ कि आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं वहाँ नंबर्स मैटर करते हैं, वहाँ सेल मैटर करती है।
अगर आप चार मशीन लगाते हो तो चार सेल पॉइंट पकड़ लीजिए, और सेल पॉइंट का मतलब है शॉप एंड शॉप मॉडल पकड़ लीजिए, मॉल के अंदर कहीं लगा लीजिए, ढाबे पे लगा दीजिए, पंप पे लगा दीजिए। इस 3x3 की मशीन के लिए आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत है। हाँ जी। पहिए इसलिए लगे हुए हैं कि आज की डेट में आप कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करते हैं, पिज्जा की कोई भी फ्रेंचाइज लेते हैं, 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे, और स्टैटिक बिजनेस है वो। हाँ, उसमें इंटीरियर में पैसा लग जाएगा और बहुत पैसा लग जाएगा, वो उखाड़ के ले जा नहीं सकते। आज मान लो शादी ब्याह है, आप बैंक्वेटिंग बिजनेस है, वहां पे आप इसको माउंटिंग कर दीजिए, माउंटिंग मतलब किसी चीज में माउंट हो जाएगी, और उस शादी में आप इसको अनलिमिटेड पिज्जा का ऑफर दे दीजिए वहाँ, और वहाँ पे आपको एक फिक्स वो अमाउंट दे देंगे। और वहाँ पे लोगों ने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए हुए, मतलब इस मशीन के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं, और कई लोगों ने पिज्जा आइटम कैफे भी खोला हुआ, मतलब पिज्जा आइटम मतलब पिज्जा आइटम में मशीन लगा के बाकी मॉकटेल्स लगा के सैंडविच पैटीज कोल्ड ड्रिंक्स इस टाइप के छोटे कैफेज खोले हुए हैं। okay. तो आज की डेट में पिज्जा एटीएम बेसिकली, और भी वीडियोज है हमारी जिसमें हमने बताया, और कई वीडियो हमारी 3-3 लाख क्रॉस कर चुकी है, मैं उनके इतने व्यूज हो चुके हैं। तो आज पिज्जा एटीएम में बिजली कितनी लगती है जो एटीएम? इसमें क्या है, सिंगल फेज का आपको कनेक्शन चाहिए, 5 kVA का कनेक्शन चाहिए, और बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, तो इसलिए बेसिकली कहीं पर भी आपको 5 kVA का कनेक्शन मिल जाएगा तो वहाँ पर ये मशीन चल जाएगी। इसकी 1 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी का मतलब है कि कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो 1 साल में हो जाए। प्लस इसमें हम स्टॉक भी देंगे, जैसे कई लोग आपको फ्रेंचाइज लेते हैं रेवेन्यू शेयर होता है, हाँ जी। इसमें कोई रेवेन्यू शेयर नहीं है, इसमें प्रोडक्ट जो है जो पिज्ज़ा बॉक्स आपका पेपर सॉस वो सारा मटेरियल हम देंगे, 50,000 का रोलिंग स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। हाँ जी। और पिज्ज़ा की जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने की है, 6 महीने मतलब अगर आप ये डीप फ्रीजर यूज कर रहे हैं तो आपको 6 महीने तक पिज्जा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खराब नहीं होगा पिज्जा। हाँ, 21 तरह का पिज्जा होगा, 21 टाइप के पिज्जा होते हैं, बट मेनली जो बिकते हैं वो 5 से 8 तरह के बिकते हैं। और जो मैंने कहा कि 10 लाख लगा के 2 करोड़ कमाएंगे उस पे आते हैं। वो कैसे कमाएंगे? देखिए क्या होता है, 4 मशीन आपने लगाई, 4 मशीन में एवरेज आप मान के चलिए कि 1 मशीन 100 पिज्जा बेच रही है, तो 400 पिज्जा पर डे बिकेंगे। आज फूड बिजनेस में 40% मार्जिन है, आप पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर आप फूड बिजनेस की बात करें 40% मार्जिन है, मैं 40% ही लेके चलता हूँ, आप 50-60% कॉस्ट लगा लो, तो अब बेसिकली आज की डेट में 400 पिज्जा बिके, 100 रुपए का एवरेज पिज्जा लगा लो, हाँ जी। तो 40,000 की पर डे सेल हुई, 40,000 की सेल पे अगर आप 40% कैलकुलेट करेंगे 16,000 रुपये बनता है। हाँ जी। 16,000 में भी मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 2-3 मॉडल हैं, एक तो आप खुद चला रहे हैं, हाँ जी। आपनी जगह है, आपने किराए पे ली है, या आपने रेवेन्यू शेयर पे ली है सेल पे परसेंटेज पे, मतलब सेल पे परसेंटेज मतलब अगर आप ये मशीन साइन अप कर लेते हैं तो आपको बाकी लोग कई जगह ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां आपको सेल पे 10% पे जगह मिल जाएगी। हाँ, आप बिना किराए की दुकान की वीडियो डालिएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि बिना किराए की दुकान क्या होती है, कैसे मिलती है रेवेन्यू शेयर पे, उससे आपको हमारे यूट्यूब पे ये वीडियोज ऑलरेडी है। अगर आप 16,000 रुपये कमा रहे हैं तो 16,000 में मैं कहता हूँ आप शॉपकीपर से पार्टनरशिप मॉडल करिए, शॉपकीपर की जगह होगी उसकी, उसी की मैन पावर होगी, उसी की जगह वो क्यों किराया नहीं ले रहा आपसे, और उसके साथ 50-50 मॉडल पर आप काम करिए, आप सिर्फ सप्लाई दीजिए उसको, सप्लाई मतलब आपने सप्लाई दी और आपने हफ्ते में 2 दिन सप्लाई दी आपने, और उसके बाद 2 दिन ही उसी दिन कलेक्शन भी कर ली, तो देखा जाए जो कमाई उसके साथ आधी आधी बांट दीजिए 50-50 मॉडल पे, तो देखा जाए आप मेहनत नहीं कर रहे, आपकी मेहनत क्या हुई, सिर्फ मशीन आपकी है, मशीन के ओनर आप हैं, ये मशीन दोनों डीप फ्रीजर आपने खरीद के दे दिया, और जब 4 जगह से आपकी मशीन है तो मैं कह रहा हूँ आपकी मान लो 5,000 भी आ रही है बचत 50% उसको देने के बाद भी, तो आज की डेट में देखा जाए 5,000 बहुत होता है, 4 मशीन से आपको कितना आ गया 20,000 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 लाख रुपए। आप मान लीजिए कोई मैंने कहा 10 लाख लगा के 2 करोड़, हाँ जी। तो बेसिकली अगर 2 करोड़ आप कमा रहे हैं तो 2 करोड़ कई जगह क्या है जल्दी आ जाएगा, कई जगह लेट आएगा, बट आएगा 2 करोड़। उसका रीजन बता देता हूँ, डिपेंड करता है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, सेल अगर वहां पे कम है तो थोड़ी लेट आएगा, हाँ जी। सेल अगर ज्यादा है तो जल्दी आ जाएगा। तो कहने का मतलब आज आप 4 मशीन लगा रहे हो और आपको आज की डेट में 6 लाख रुपए महीना आ रहा है तो आपने लगाया क्या है 10 लाख रुपए। हाँ जी। 10 लाख लगा के 6 लाख रुपए महीना कहीं भी नहीं आ सकता, और जिसमें कि आप मेहनत भी कर रहे, मेहनत भी वो कर रहा है, आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, आप सप्लाई चेन मेंटेन कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो कि आप आज की डेट में उसको बैकअप दे रहे हो, कलेक्शन आपकी है और सप्लाई चेन आपकी है। तो मेरा यह दुकानदार को भी फायदा है कि दुकानदार में फुटफॉल बढ़ जाएगा, जो भी रिटेलर इस मशीन को लगवाता है, मान लो रिटेलर ने खुद लगा ली, मैं कहता हूँ उसने पार्टनरशिप भी नहीं करी, अपनी मशीन खरीद के अपने यहाँ लगा ली, तो भी उसको बेनिफिट है क्योंकि इससे बच्चों का फुटफॉल बढ़ जाएगा, बच्चों का बहुत क्रेज है पिज्जा के लिए। आप दुकान के आगे कहीं भी छोटा कॉर्नर पे इस मशीन को फिट कर लीजिए, मेडिकल स्टोर्स हैं, आप कहीं भी आप ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आप शॉप एंड शॉप मॉडल में कहीं भी फिट कर सकते हैं। मशीन का देखो साइज कुछ नहीं है ना, 3x3 की मशीन जो है बहुत सिंपल है, एक्स्ट्रा जगह है तो वो एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। बिल्कुल सर, आज 10 लाख रुपए में 4 सेल पॉइंट 4 जगह आपके रेस्टोरेंट खुल गए। आप ऐसे मान लीजिए कि छोटा रेस्टोरेंट खुल गया आपका, 4 रेस्टोरेंट कोई भी आदमी 10 लाख में नहीं खोल सकता, और लॉस क्या है, मशीन आपकी है, आज मशीन के अंदर आज की डेट में आपका क्या लॉस है, कुछ भी लॉस नहीं, आपके पास पूरा हार्डवेयर आपका एसेट आपका है। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ नहीं चला, हाँ। तो आप इसको ये मूवेबल है,
आपको शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ही नहीं है, आपकी काटने लगी आपने उसको कहीं भी शिफ्ट कर दिया, तो कहने का मतलब लॉस वहाँ होता है जहाँ स्टैटिक है। हाँ जी। जहाँ आप उखाड़ने जाएंगे तो आपका पूरा इंटीरियर कोलैप्स कर जाएगा। हाँ। इंटीरियर कॉस्ट सारी डेड हो जाती है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। आज पिज्जा एटीएम जो है, इवन जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, कई लोग अब्रॉड में भी देखते हैं वीडियो, काफी कॉल्स आती है, मैं बाहर से भी कॉल आती है, तो पिज्जा एटीएम आप खोल के आज अपना पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं। किसी भी स्टार्टअप पे रजिस्टर्ड करके, आज गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है जो स्टार्टअप स्कीम्स है, वहां पे आप इसको रजिस्टर्ड करिए अपना स्टार्टअप। अच्छा हाँ, चार मशीन में क्यों कह रहा हूँ, सप्लाई चेन हमें भी वहां पहुंचाना, मतलब देखा जाए तो आज हम कहाँ से कमा रहे हैं, जो पिज्जा हम सप्लाई करते हैं उसी पे मान लो 10 रुपए पिज्जा या 5 रुपए पिज्जा हमने रखा हुआ है, आपको आपको जो पीछे प्रोडक्ट है वो आपसे हमसे ही लेना है। हम रेवेन्यू शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि रेवेन्यू शेयर में झगड़े वाला काम है, कितनी सेल हुई, क्या हुआ, क्या ट्रैकिंग हुई, तो हमने रेवेन्यू शेयर वाला फंडा रखा ही नहीं है। सिर्फ मेन है कि सप्लाई हम दे रहे हैं और 50,000 का स्टॉक आप रखिए और उसको आप बेचते रहिए, आगे हमसे स्टॉक लेते रहिए। बिल्कुल, तो एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है जहां पर आपको 10 लाख रुपए में से 4 मशीनें मिल जाएंगी, आपको डिफ्रीजर परचेज करना पड़ेगा, ये आप अलग से करना पड़ेगा, ये हम दे रहे हैं, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी करेगी, आपको सिखाएगी कि किस तरीके से आपको इस बिजनेस को रन करना है, और इस बिजनेस को रन करके आप 40-50% का मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कम है, कोई फ्रेंचाइजी फीस का झंझट नहीं है, कोई रॉयल्टी आपको पे नहीं करनी है, और एक लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल जहां पर मशीन लगाएंगे वहां पर लोग आपसे पूछने आएंगे कि आप पिज्जा पास्ता बिरयानी और गार्लिक ब्रेड किस तरीके से सर्व करते हैं, तो सब चीजों का बिजनेस अपना एक चलता फिरता मिनी रेस्टोरेंट आसानी से आप शुरू कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बिजनेस है ये पिज्जा एटीएम का, तो आप भी शुरू कर सकते हैं। जानने के लिए आपको नंबर दे दिया गया स्क्रीन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, इन डिटेल्स में कॉल करिए, शक्तिनगर ऑफिस में आइए, पिज्जा आकर टेस्ट करिए और अच्छा लगे तो अपने शहर में इस मशीन को लेकर जाइए। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि इसमें काफी लोग हैं जो कहते हैं जी हमने किसी चक्कर में नहीं पड़ा। हाँ जी। हमने तो 4 मशीन ले ली। हाँ जी। ऐसा कुछ बताइए, कोई मिनिमम गारंटी हो कि आप ही मशीन चला लें। हाँ। और हमें फिक्स दे दीजिए, 10 लाख लगा के 35,000 रुपए महीना हम दे रहे हैं, 35,000 रुपीज पर मंथ, आप 4 मशीनें हम लगाएंगे। हाँ आपकी क्वेरी कहाँ लगा रहे हैं आपने पूछना ही नहीं है, मशीन की ओनरशिप आपकी है, एक तरह से हमने किराए पे ले ली मशीन, और हम आपको 35,000 महीना फिक्स दे रहे हैं हर महीने। अब वो कितने टाइम का एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में कैसे पेमेंट होगी, और बेसिकली उस दौरान देखा जाए मशीन के मालिक आप हैं। हाँ। 3 साल का एग्रीमेंट। हाँ। है 3 साल बाद एक्सटेंडेबल क्लॉज है। हाँ। या बाद में एक्सटेंड कर सकते हो, तो 3 साल तक आपने 4-5 साल का मतलब जो भी एग्रीमेंट हमारा हुआ उतने टाइम तक हमने फिक्स दे दिया। अब हमारी सेल क्या हो रही है, हमने कहाँ मशीन लगाई, आपकी कोई लग रही है, बेसिकली कहने का मतलब ये है इन्वेस्टर्स के लिए भी जो लोग बहुत अच्छा है और काफी लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए, मतलब ये देखा जाए तो आज की डेट में जो पिज्जा एटीएम है इसमें बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए आज की डेट में पिज्जा की क्वालिटी क्या है, पिज्जा का प्राइस क्या है। हाँ जी। आज 35% लेस है हमारा, बाकी किसी भी पिज्जा कंपनी की बात करें उससे 35% लो है। क्वालिटी इसलिए है क्योंकि इसमें हाथ का कम इस्तेमाल है। हाँ जी। तो हाइजीनिक ज्यादा है। हाँ, टेस्टफुल है, और तीसरी बात मैन पावर बहुत कम लगती है, बाकी लेबर से भी काम हो सकता है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही शेफ है। हाँ जी। इसमें कोई शेफ की जरूरत ही नहीं है। आज एक नॉर्मल, मैंने बताया नॉर्मल कोई बंदा जिसको अनस्किल्ड, मतलब जिसने कभी पिज्जा नहीं बनाया। हाँ जी। वो भी उसे पिज्जा बनाना सीख लेगा, इसकी ट्रेनिंग और वो सारा इम्प्लीमेंटेशन मान लो जाके इंस्टॉल करना वो हमारी कंपनी करके देगी, आपकी कोई हेडेक नहीं। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जानकारी आपको दे दी गई है, आप डायरेक्टली आके मिल भी सकते हैं, मशीन देख भी सकते हैं, आपको अगर अच्छी लगे तो ये बिजनेस आप अपने शहर में शुरू करें, पिज्जा टेस्ट करें, क्वालिटी देखें, प्राइसिंग देखें और अपना कंपटीशन एनालिसिस करें, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं हर महीने से 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपये 2,00,000 रुपये कमा सकता हूँ, तो आप इस बिजनेस को अपने शहर में लेके जाएं। खाने पीने का बिजनेस हर जगह चलता है, लोगों की डिमांड का बिजनेस है दोस्तों, और सबसे खास बात है लो रिस्क बिजनेस है, ना आपको रेंटल की झंझट, ना आपको फ्रेंचाइजी फीस देना, ना रॉयल्टी देनी, ना फूड प्रिपरेशन का झंझट है, ना आपको कोई शेफ रखना है कि आपको शेफ छोड़ के चला गया तो क्या होगा, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिजनेस है पिज्जा एटीएम का, तो आप शुरू कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी बताओ पर इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि ऐसे बिजनेस मॉडल बहुत कम है और अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा ऐसे बिजनेस के बारे में। कोई आके देखना चाहता है, रहना चाहता है, तो 300 रुपये में स्टे, 300 रुपये में एसी स्टे, मतलब ये कहीं नहीं मिलेगा दिल्ली में आपको, हम बेसिकली 300 रुपये में एसी स्टे विद ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। जो लोग भी इसको देखने आना चाहते हैं वो आप बस से आइए, ट्रेन से आइए, फ्लाइट से आइए, यहाँ पे आपको डॉमेट्रीज हैं, मेल फीमेल कोई भी है वो रहने का अरेंजमेंट है, डॉमेट्री का मैंने फोटोग्राफ उसकी मतलब आपको यहाँ पे मतलब जब भी आप आना चाहते हैं प्री बुक कर लीजिए, प्री बुक कर लीजिए, इन द सेंस हमें पहले डेट बता दीजिए,
बेसिकली 300 रुपए में कोई आदमी स्टे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता बिल्कुल। तो यहाँ पर वो आपको सब कुछ मिलेगा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बिजनेस के ऊपर बिजनेस मिलेगा। तो आप जब मिलेंगे आएंगे, कॉस्टिंग बहुत कम लगेगी हर चीज़ की, आने की, रहने की, खाने की, हर चीज़ का आपको इंतजाम यहाँ मिलेगा बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस में। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के, थैंक यू आशीष जी, शेयर करने। अभी तक जितने भी पिज्जा आइटम की वीडियो मैंने बनाई है उसमें हाईएस्ट व्यूज रहे हैं। और देखिए मतलब मैक्सिमम लोग जितने होटल ओनर्स हैं, मतलब जितने हिल स्टेशन हैं, वहाँ पे आप पूरे इंडिया में जहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पे एक अपने आप में क्रेज है पिज्जा आइटम। हाँ जी, टूरिज्म में तो बिल्कुल क्रेज 100%।